हेलो एवरीवन दिस इज सी ए निकिता सोमानी और हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग कॉस्टिंग में प्रीवियस वाले वीडियो में हमने शुरू किया था जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट उसमें ये सारा हमने हिस्ट्री पढ़ा था पूरा क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है बाय प्रोडक्ट एंड देन व्हाट इज़ स्प्लिट ऑफ पॉइंट व्हाट इज़ जॉइंट कॉस्ट ठीक है प्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग नो फर्दर प्रोसेसिंग ठीक है और कैसा कैसा इनका जॉइंट ज्वाइंट खुद खुद में अपोर्शनमेंट होता है ओके okay? अभी ये सारा सब कुछ तो हमने देख लिया था और हमने कल बोला था कि क्या हम क्वेश्चन देखने वाले हैं अब ओके सो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नाउ ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वॉट डज इट से वेरी इजी क्वेश्चन बट अगर अंडरस्टैंड कर जाए और एक हम लोग फ्लो समझेंगे इसमें अगर वो फ्लो से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये क्वेश्चन ओके एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ए कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो प्रोडक्ट ए विच यील्ड्स टू बाय प्रोडक्ट्स विच इज बी एंड सी मेन प्रोडक्ट कौन सा है ए और बाय प्रोडक्ट दो कौन से बन रहे हैं इसमें बी एंड सी द एक्चुअल ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फॉर द पीरियड वेयर एट एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर एक बार अच्छे से पूरा अंडरस्टैंड करेंगे द प्रोफिट्स ऑन ईच प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स ध्यान रखना ये ठीक है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स थर्टी थ्री पॉइंट वन बाय थ्री परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टीन परसेंट रेस्पेक्टिवली सबसेक्वेंट एक्सपेंसेस आर एस फॉलो सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस मतलब क्या जॉइंट एक्सपेंस तो हो गया ये देखो जॉइंट एक्सपेंस आर एट थाउजेंड टू हंड्रेड और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद खुद खुद के अकेले अकेले के एक्सपेंस कितने हो रहे हैं ए के इतने हो रहे हैं बी के इतने हो रहे हैं सी के इतने हो रहे हैं टोटल ये सब है 450, 325, 150. और सबका सेल्स दे दिया ठीक है सबका सेल्स दे दिया सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और क्या बोल दिया पूछ लिया हमको अपोर्शन द ज्वाइंट एक्सपेंसेस अपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस अब जैसे आंसर में सॉल्व किया है ना ऐसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं नो डाउट बट अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से होना चाहिए एक पहले फ्लो समझते हैं उसके बाद इसको आराम से अपने स्टाइल से सॉल्व करेंगे ओके okay. अभी एक बार पहले कॉस्ट शीट को याद करते हैं ठीक है थीके? मैंने बोला था ना कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है पहले डिस्कस करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और देखो उसका काम अभी यहीं पर यहां पर भी पड़ेगा कैसे पड़ेगा देखो कॉस्टशीट में हमने क्या देखा था सब एक्सपेंसेस होते हैं ठीक है डायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट ठीक है वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं प्राइम कॉस्ट के बाद मैं डायरेक्ट लिखती हूं यहां पर प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में क्या होता है फिर फैक्ट्री में जाता है वो फैक्ट्री में क्या होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलते हैं जिसको मैं यहां पर बोल देती हूँ ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स उसके बाद यहां पर बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट बट यहां पर ना अभी इस वाले जो चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इसमें दो तरीके के एक्सपेंस लगते हैं कौन से दो तरीके के एक्सपेंस एक तो ज्वाइंट कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट और एक सेपरेट कॉस्ट है ना दोनों कॉस्ट लगती है बन गई फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कौन से लगते हैं एडमिन ओवरहेड्स एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स मतलब क्या होते हैं जो ऑफिस में एक्सपेंस होते हैं ठीक है थीके? उसके बाद हमको मिल जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड सेलिंग ओवरहेड्स, है ना सेलिंग एक्सपेंसेस एड होते हैं उसके बाद मिल गया हमको कॉस्ट ऑफ सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें हम ऐड करते हैं प्रॉफिट एलिमेंट और हमको क्या मिल जाता है फिर सेल्स का फिगर ये हमारा शीट का ढांचा है में हमको ना सारी कॉस्ट गिवन गिवन होती होती है, होती है, कॉस्ट प्रॉफिट का परसेंटेज दिया होता है एंड हमको सेल्स निकालना पड़ता है दिस इज वॉट इज डिस्क इन शीट यहां पर क्या डिस्कस किया है है ना जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में सेल्स इज given, प्रॉफिट इज given, और हमको क्या निकालना है यहाँ से कॉस्ट यहाँ से हमको क्या निकालना है कॉस्ट मतलब आप देखो हमको उल्टा जाना है वी हैव टू गो दिस वे है ना ऐसा ऊपर जाना है हमको अब देखो कॉस्ट से जब नीचे तक आएंगे तो सब ऐड 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 किया है ना एवरीथिंग इज एडेड सब कॉस्ट ऐड करके प्रॉफिट के बाद हमको मिल गया क्या सेल्स अगर हमको उल्टा जाना है तो सब क्या करना पड़ेगा माइनस 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 एकदम सिंपल है देखो कैसे करेंगे यहां पर पहले लिखेंगे सेल्स 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 बिकॉज़ गिवन गिवन है है देखो इज ठीक प्लस सॉरी माइनस अब सब माइनस करना है ना प्लस नहीं करना है माइनस प्रॉफिट देखो यहीं से करेंगे सब माइनस प्रॉफिट हमको क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यह मिल जाएगा उसके बाद क्या माइनस करेंगे सेलिंग ओवर हेड्स करो माइनस सेलिंग ओवर हेड्स फिर क्या मिल जाएगा हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वीट फोन बज रहा है ना तो बंद कर दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया अब क्या लेस करेंगे उसके बाद क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड ऊपर से हमने क्या ऐड करते आए थे एडमिन अब लेस क्या यहाँ पर एडमिन ओवरहेड क्या मिल जाएगा फिर हमको फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा उसके बाद क्या लेस करना है हमको फैक्ट्री एक्सपेंसेस लेस करना है फैक्ट्री एक्सपेंसेस expense, में दो तरीके के एक्सपेंस है एक तो जॉइंट कॉस्ट है ना इस वाले बक्से में दो चीज़ें आएगी ज्वाइंट कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट अब इसमें सारे फिगर्स पुट करेंगे जो भी ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है ना सारी जो चीज़ें गिवन हैं वो हम लिख देंगे एक बार चलो लिखो फिर आई एम वेटिंग मैं भी लिखती हूँ आप भी लिखो आई हैव रिटन देखो ऐसा कुछ दिखेगा ये सेल्स की गिवन फिगर है मैंने लिख दिया सेल्स इज गिवन यहाँ पर लिख दिए मैंने सारे फिगर्स सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड टू थाउजेंड प्रॉफिट गिवन है परसेंटेजेस गिवेन है ना सेल्स के केजेस है तो करो सिक्स थाउजेंड इन सिक्स थाउजेंड इन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट कितना आ गया टू थाउजेंड तो प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल गया फिर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवेन नहीं है ना मैंने उसको क्रॉस कर दिया कोई मतलब नहीं है वापिस वापिस वो सेम इन्फॉर्मेशन लिखने में मतलब यहाँ पर सेलिंग नहीं दिया है तो डैश डैश करो फिर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो फोर थाउजेंड को कैरी करो तो जो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है उसको कट कर दो ऐसे ठीक है तो ये ढांचा है मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना उसको क्रॉस कर दिया और हमको क्या क्या गिवन है और देखो ज्वाइंट कॉस्ट टोटल गिवन है ज्वाइंट कॉस्ट जो है ना टोटल गिवन है हमको नहीं दिया ए का कितना बी का कितना सी का कितना ये हमको गिवन ही नहीं है तो मैंने टोटल में लिख दिया ये अमाउंट ठीक है और हमको सबका सेपरेट कॉस्ट दिया हुआ है ये सेपरेट कॉस्ट दिया हुआ है ये सेपरेट कॉस्ट अलग अलग लिख दो अब एकदम सिंपल है क्या करोगे आप सिक्स थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड कितना आ गया फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड में से फोर फिफ्टी माइनस कर दो कितना आ गया फोर में से फोर माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा थ्री तो इसका सेपरेट मतलब ये जो है ना सेपरेट कॉस्ट माइनस करने के बाद पर्टिकुलरली ए का ज्वाइंट कॉस्ट इज हाउ मच थ्री फाइव फाइव जीरो कर दो बी और सी के लिए भी कैसे करोगे फोर थाउजेंड माइनस वन थाउजेंड कॉस्ट आ गया थ्री थाउजेंड सेट कॉस्ट था कितना थ्री ट्वेंटी फाइव तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दो कितना आ गया इसका टू सिक्स सेवन फाइव टू सिक्स सेवन फाइव ठीक है करो कैलकुलेशन करके लिखो कैलकुलेटर पे देन अगेन सी का कैसा आएगा 2500 माइनस प्रॉफिट कितना कर दिया 375 सेवेंटी गिवन परसेंटेज है उस तरीके से कैलकुलेट करके लिखो कॉस्ट आ गया कितना 2125 उसमें से सेपरेट कॉस्ट माइनस कर दो 150 बैलेंसिंग फिगर यहां पर कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर 1975 1975 1975 अब एक काम करो इन सब का टोटल करो इन सब का टोटल करो थ्री फाइव फाइव जीरो प्लस टू सिक्स सेवन फाइव प्लस वन नाइन सेवन फाइव कितना टोटल आ गया एट टू डबल जीरो आ गया दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व आंसर में देखेंगे तो ऐसा ही सॉल्व किया है ना ढांचा ऐसा ही बनाया है वहां पर ये जो नहीं गिवन चीजें है उनको तो उन्होंने लिखा ही नहीं बट सिंस मुझे एक्सप्लेन करना था तो मैंने पूरा एक बार ही मैं लिख कर बता दिया अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले आगे उनको भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एकदम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी टॉपिक है ये ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है अपने अपने कॉस्ट को सेपरेट है ना जॉइंट कॉस्ट को अलग करना है सेपरेट कॉस्ट को अलग करना है बट यहाँ सिंस देखो टोटल गिवन था हमको क्या निकालना था कि इनका सेपरेटली है ना ये जो शेयर है ये निकालना था ओके दिस इज हाउ दिस इज टू बी डन कॉपी करना है आपको कर लो एक बार Look here, statement showing apportionment of joint expenses. Same हमने जैसा किया है ना वैसा ही. Sales minus profit एकदम total cost आ गया. Joint plus separate cost मिला के ये देखो, पूरा total आ गया. Total में से separate expenses उन्होंने minus कर दिए और फिर उनको मिल गया share of joint expenses. और ये हमको given था. This figure was given. अब इन सब का total करोगे आप, तो वो match हो जाएगा 8200 से. जो हमने प्रेजेंट किया वो थोड़ा सा ऐसे अच्छे से समझ में आके लॉजिकली देख लिया एक बार अब आंसर में ऐसा दिया है सेम सॉल्व किया है देर इज नो डिफरेंस ठीक है बस प्रेजेंटेशन जो किया है वो अलग किया है बाकी आंसर सेम टू सेम आया है ठीक है ऐसा जब मैं ऐसा सॉल्व करो और जैसे मैंने solve, मैंने सॉल्व किया है आप वो भी मेथड अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में देर इज नो हार्म इन सॉल्विंग दैट वे ठीक है लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देखो ये एकदम ना लॉजिकली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए इसमें ठीक है कोई रॉकेट साइंस है नहीं बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा इसमें सो एकदम ध्यान से देखो और इन्फॉर्मेशन थोड़ी ऊपर नीचे दी हुई है कैसे मैं बताती हूँ देखो यहाँ पर जो डेटा है इनपुट का डेटा है कितने यूनिट्स इनपुट किए हैं है ना मशीन में वो कितने हैं वन थाउजेंड यूनिट्स और ऊपर क्या दे दिया उन्होंने देखो ए केमिकल प्रोसेस यील्ड्स 60% परसेंट ऑफ द मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड एज मेन प्रोडक्ट ए इंट्रोड्यूस कितना किया है 1000 यूनिट्स उसमें से जो 60% परसेंट है ना आउटपुट निकलता है वो मेन प्रोडक्ट ए निकलता है ठीक है सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो मेन प्रोडक्ट का है फिर प्रोडक्ट बी भी निकलता है जो फिफ्टीन बनता है कुछ बाय प्रोडक्ट है जो सी है वो ट्वेंटी परसेंट निकलता है एंड फाइव परसेंटेज वेस्टेज वेस्टेज होने ही वाला है को कोई भी चीज आप प्रोसेस करोगे न, तो कही ना तो कहीं ना कहीं मान के चलना पड़ता है कि थोड़ा बहुत जो है वो वेस्टेज होने वाला है ठीक है आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहां पर लिखती हूँ देखो वन थाउजेंड यूनिट्स है वन थाउजेंड यूनिट्स इसमें से मैं यहां पर ऐसे सेपरेट कर दूं ए B, C and wastage. A, B, C and wastage. A का कितना बोला 60%. परसेंट बी का 15%. परसेंट सी का 20% परसेंट एंड वेस्टेज कितना 5%. परसेंट ठीक है इतना सब कुछ दिया हुआ है निकालो थाउजेंड यूनिट का 60% परसेंट कितना होगा 600. 15% परसेंट वन फिफ्टी परसेंट टू और 5% परसेंट कितना हो जाएगा 50, 5% 50, सबका टोटल करो एक बार 600 हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी प्लस टू प्लस सबका टोटल आप यहां पे देखोगे तो जादू 1000 यूनिट्स कोई जादू नहीं है वो दिया हुआ है सब कुछ देखो 60 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5, सबका टोटल करो 100% परसेंट हो गया और ये क्या है 100% परसेंट इनपुट अब ऐसे तरीके का इनका आउटपुट निकल रहा है नीचे क्या बोल दिया उन्होंने अब यहां पर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स का नॉलेज होना जरूरी है रेशियो ऑफ एब्जॉर्न ऑफ रॉ मटीरियल एंड लेबर इन द प्रोसेस इज मटेरियल मटीरियल लेबर किस किस प्रपोर्शन में लगता है उसका बाइफरकेशन विल रीड वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी मैं यहां पर कहां पर लिखू यहां पर लिखती हूं मैं नीचे ए बी सी जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा वैसा मैं भी लिखते जाती हूं वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ ऑफ द रॉ मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी देखो वो बोल रहा है एक यूनिट जो है ना सी का बनने में एक यूनिट सी का बनने में जितना रॉ मटेरियल बी को लग रहा है उससे आधा लगेगा मतलब मैं ऐसे मान लू कि बी को वन रॉ मटेरियल लगने वाला है बी को वन रॉ मटेरियल अगर लगने वाला है तो मैं यहां पर लिख देती हूं सी को हाफ मटेरियल लगने वाला है वापिस एक बार सेंटेंस पढ़ो वन यूनिट ऑफ सी वन यूनिट ऑफ फिनिश्ड यूनिट ऑफ सी रिक्वायर्स हाफ द रॉ मटेरियल हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट ऑफ बी एक यूनिट बी का बनाने को एक रॉ मटेरियल लगता होगा तो सी का एक यूनिट बनाने के लिए हाफ रॉ मटेरियल लगता होगा किसका हाफ बी का हाफ बी को वन लग रहा है तो सी को वन बाई टू आई होप दिस इज क्लियर अब नीचे देखो अभी अब बी का और सी का हो गया ए का देखें ए का क्या बोला है उन्होंने उस सेंटेंस में देखो ये यहां पर हो गया वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स वन एंड अ हाफ टाइम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बी बी को कितना लग रहा है वन उसका वन एंड अ हाफ टाइम्स मतलब मैं यहाँ पर लिख दूँ वन एंड अ हाफ ओनली वन इन टू वन एंड हाफ़ इज़ वन एंड अ हाफ ठीक है अब ये इस तरीके से तो वो बो, बहुत बुरा लग रहा है ठीक है अब ये ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना वन वन इन टू है ना वन वन बाई टू फिर वन फिर हाफ तो ये कितना अजीब लग रहा है ना तो अब इसको मैथमेटिकली पहले सॉल्व करते हैं तो वन वन बाई टू इसको कैसे सॉल्व किया जाता है कैसे सॉल्व किया जाता है इसको वन इंटू टू प्लस वन वन इंटू टू प्लस वन कितना आ गया टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री डिवाइड बाई टू डिवाइडेड बाई टू इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैथमेटिकली ठीक है ये कुछ तो डिवीजन क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ आता है ना तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है वन इंटू टू प्लस वन दैट कम्स टू थ्री डिवाइडेड बाई टू ये डिवीजन में टू है तो यहाँ पर भी डिविजन में टू आएगा तो ये हो गया ए का बी का कितना दिया है वन सी का कितना दिया है वन बाय टू अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा थ्री बाई टू वन वन बाई टू अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर देंगे ये देखो डिनोमिनेटर में यहाँ टू है यहाँ टू है इस टू टू को हटाना है तो मैं क्या करूं इसको इंटू टू कर दूँ तो ये टू अपने आप हट जाएगा ऐसा कुछ कर सकती हूं मैं इंटू टू ये टू टू कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर बच गया कितना थ्री। ऐसा नहीं करना है तो और थ्री टू सिक्स बाई टू सिक्स बाय टू कितना होता है थ्री बोथ वेज यू कैन डू ठीक है मैथोमेटिक्स ऐसे एकदम कैसे भी काम करता है कैसे भी इसको आप एकदम तोड़ मड़ोड़ सॉल्व कर सकते हो अब इसको इंटू टू किया तो इसको भी तो इंटू टू देना पड़ेगा ना ये बोल दिया अरे मुझे तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया अब वन बोल रहा है मुझे भी करो है ना ऐसे साफ ही नहीं चलेगी सबको इक्वली प्रोपोर्शन में अब इसको इंटू टू किया तो सबको इंटू टू इंटू टू करो तो वन इंटू टू कितना आ गया ये तो सिंपल है एकदम टू ठीक है अब यहाँ पर भी वन बाई टू इंटू टू ये टू टू कैंसिल करके तो यहाँ पर वन लिख दो वन लिख दो और इसको आप ऐसे भी सॉल्व करते हो वन टू ज टू डिवाइडेड बाई टू फिर से आंसर आ गया वन किसी भी तरीके से सॉल्व करो आंसर आएगा और आपका रेशियो देखो यहां पर एकदम सिंप्लीफाई होके आ गया थ्री इज टू टू इज टू वन थ्री इज टू टू इज टू वन अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर भी देखो थ्री इज टू टू इज टू वन डू यू गेट दिस अब यहां पर तो इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके इसको पहले Uh, समझा कि क्या बोलना चाह रहे है ये है ना और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया अब एक बार ठीक है हमारा आंसर तो आ गया इस आंसर को एक बार वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेके मैच करता है क्या चलो देखते हैं एक बार वो क्या बोल रहे है वो हमारा क्या आ गया आंसर यहाँ पर थ्री इज टू टू इज टू वन अब वो देखो क्या बोल रहे वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ ऑफ द मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी है ये सी बी ए सी को क्या बोल रहे हैं वो वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हाफ ऑफ द मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट बी के लिए दो लग रहा है तो दो का आधा कितना होता है वन तो देखो सी को वन लग रहा है हो गया मैच फर्स्ट कंडीशन मैच हो गई अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स हाफ टाइम ऑफ द रॉ मटीरियल रिक्वा है तो वन एंड कर दोन हाफ कर दो टू का वन पोर्शन कितना होता है अगर वन के लिए जाएंगे तो वो आ गया कितना टू वन एंड हाफ बोला है ना तो बस टू वन ज टू और यहां पर प्लस वन सिंप्लीफाई करके बोलू तो ऐसा है वो टू इंटू वन प्लस टू इंटू वन बाई टू 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 कैंसल वन बच गया टू वन ज टू प्लस वन दैट इज थ्री हर तरीके से सॉल्व करके बताया ठीक है थीके? मेरा काम है आपको एकदम इतना अच्छे से समझाना कि उसमें कोई डाउट ना रहे इसीलिए मैं एकदम पहले पूरा वो हमने यू नो अज्यूम करके कर लिया सॉल्व हाफ वन वन एंड हाफ और इसको ऐसे भी एक बार टैली कर लिया मैच होता है क्या मतलब अपना जो आंसर आया है थ्री इज टू टू इज टू वन वो करेक्ट है ठीक है इट इज़ राइट ओके नेक्स्ट अब ये भी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ठीक है प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स डबल द द टाइम डबल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ बी एंड वन यूनिट ऑफ सी देखो कुछ भी नहीं है प्लेन प्लेन आप ऐसा लिख दो ए बी सी अब इसको मैं अज्यूम करती हूँ एक घंटा लगता है एक घंटा लगता है ना बी और सी के कंडीशन पे डिपेंड करती है ए की कंडीशन तो ए में क्या बोला है इट रिक्वायर्स डबल डबल द टाइम नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ बी एंड वन यूनिट ऑफ सी मतलब इसका डबल कर दो तो टू प्लस इसका डबल कर दो तो आ गया टू तो यहाँ पे रेशियो में मान लू फोर देखो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ बी हाफ द टाइम बोला है ठीक है अब देखो बी को कितना लग रहा है एक अब इस कंडीशन के हिसाब से तो इसको वन बाई टू ही लगना चाहिए मैच हो रहा है क्या नहीं ये कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो इससे समझो कि आपको पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करके कोई मतलब नहीं है जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई पहले करेंगे तो दूसरी वाली होगी ही नहीं तो अब एक बार ट्रायल एंड एरर करते हैं कि दूसरी वाली पहले करते हैं और उसके बाद ये देखते हैं मैच करती है कि नहीं ओके लेट्स डू इट अभी फिर से मैं यहाँ पे लिख दी हूँ ए बी सी पहले दूसरी वाली कंडीशन लिखते हैं प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ बी तो मैं यहाँ पर यह अज्यूम कर लेती हूँ बी इज टू ठीक है टू लेंगे तो हाफ ईजी है यहाँ पर वन लिख देना ठीक है ईजी वे में करते हैं बी को अगर टू यूनिट्स लग रहे हैं मतलब टू आवर्स का टाइम लग रहा है ठीक है नॉट यूनिट्स आवर्स बी को टू आवर्स का टाइम लग रहा है तो सी को वन आवर लग रहा है सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल हो गई अब क्या बोलते हैं वो प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स डबल द टाइम नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट ऑफ बी एंड वन यूनिट ऑफ सी डबल टाइम लगता है बी को कितने लगते हैं अभी टू तो इसका डबल कर दो एक बार टू प्लस टू कितने हो गए फोर सी का डबल कर दो वन प्लस वन टू मतलब कितने घंटे लगता है सिक्स आवर्स ठीक है आ गया आंसर सिक्स इज टू टू इज टू वन सिक्स इज टू टू इज टू वन देखो आ गया कंडीशन फुलफिल हो गई तो यहां पर आपको पहले सेकंड कंडीशन फुलफिल करनी है फिर फर्स्ट करनी है क्योंकि हमने यहाँ पर देखो सॉल्व करके देख लिया है ना फर्स्ट वाली कंडीशन अगर पहले सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मैच ही नहीं करता है फिर इसीलिए हमने फिर से सॉल्व किया पहले सेकेंड वाली कंडीशन को फुलफिल किया अगर बी को दो आवर्स का टाइम लग रहा है तो सी को वन आवर लग रहा है एंड देन फिर ए को क्या लग रहा है डबल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर बी एंड सी तो बी का डबल कितना हो गया टू का डबल इज फोर एंड सी का वन का डबल इज टू तो टोटल हो गया सिक्स आवर्स द रेशियो इज सिक्स इज टू टू इज टू वन बस इतना ही पोर्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है बाकी सब एकदम ईजी है ये जो कंडीशन है ना सिर्फ इतना ही डिफिकल्ट पोर्शन था ये खत्म हो गया ये अंडरस्टैंड भी हो चुका है आई होप आपको ये समझ में आया है हमने किस तरीके से सॉल्व किया ठीक है फर्स्ट वाली कंडीशन थी मटीरियल के लिए सेकेंड वाली कंडीशन थी लेबर के लिए दोनों सॉल्व हो गए फर्स्ट का रेशो आ गया मटीरियल का कितना थ्री इज टू टू इज टू वन एंड लेबर का कितना आ गया सिक्सटी इज टू टू इज टू वन अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे ओके okay. अब यहाँ पर देखो ए बी सी हमको यूनिट्स यूनिट्स कितने आ गए थे सॉल्व करके नीचे सिक्स हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड ये आ गए थे हमने किया था ना सिक्सटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट फाइव परसेंट वेस्टेज तो ये यूनिट्स है सिक्स हंड्रेड वन फिफ्टी टू हंड्रेड रेशो कितना आ गया मटीरियल का थ्री इज टू टू इज टू वन मल्टीप्लाई कर दो आपको आ जाएगा नया वाला रेशो एटीन हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड दैट मीन्स मैं अगर इसको सिम्प्लीफाई करके बोलूँ तो रे, रेशो इज़ एटीन इज टू थ्री इज टू टू अगेन ए बी सी के यूनिट्स लिखो रेशियो लिखो मल्टीप्लाई करके ये सब आएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड करके रेशियो इज थर्टी सिक्स इज टू थ्री इज टू टू अब कुछ नहीं ये जो भी कॉस्ट दी हुई है ना ये देखो मटेरियल की इतनी कॉस्ट लेबर की इतनी कॉस्ट ओवरहेड्स की इतनी कॉस्ट उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो है ना ये तो रेशो आ गया वर्किंग नोट से और सिक्स इज टू वन इज टू वन कहाँ से आया मैम ये देखो ये यहाँ से आया ओवर हेड्स आर एब्जॉर्व इन द रेशो ऑफ सिक्स इज टू वन इज़ टू वन गिव एन इन्फॉर्मेशन ठीक है आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ सिक्स इज टू वन इज टू वन का कितना आएगा रेशो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज टू सेवन फिफ्टी इज टू सेवन फिफ्टी ठीक है ऐसा सब कुछ आएगा ये ठीक है देख लो आप एक बार मैं एक बार इसको जूम भी करती हूँ आप सब कॉपी भी कर लो ओके okay. यहाँ पर भी देख लो एक बार ये सारे यूनिट्स आ गए रेशो आ गया हमने भी इस तरीके से सॉल्व किया दिस सिक्स इज तो टू वन इज टू तो वन इज गिवेन और ये सब अपोर्शन करके देखो ये टोटल आ गया ठीक है वी हैव ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वे बट देखो ये जो इन्होंने रेशो दिया है ना पहले ये पता नहीं ना कहाँ से आया तो उसके लिए फिर रिक्वायर्ड है कि कोई आपको पढ़ाए तो इसीलिए फिर क्लास इंपॉर्टेंट है ओके okay? क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स क्या दिया है देखो एकदम इजी क्वेश्चन है फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसेज सदर्न कोक कंपनी लिमिटेड अब यहाँ पे देखो जॉइंट प्रोडक्ट्स दिए सारे कोक कोल्टार बेंजॉल सल्फेट ऑफ एमोनिया गैस सब कुछ दिया है ईल्ड इन एल बी ऑफ द रिकवर्ड प्रोडक्ट्स पर टर्न ऑफ कोल पर टर्न ऑफ कोल से इतना सब कुछ ये निकला है अब देखो इनका पर्टिकुलर परसेंटेज मतलब रेशो वाइज दे दिया और टोटल क्या है टू थाउजेंड फर्स्ट थिंग तो आपको इसका रेशो निकाल लेना है ऐसे टू थाउजेंड सॉरी ऐसे लिख लेना है आपको फोर्टीन टू जीरो डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड वन ट्वेंटी 2000 बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई टू थाउजेंड फोर वन टू बाई टू थाउजेंड मैंने सारे परसेंटेजेस निकाल दिए यहाँ पर ठीक है दिस इज आउ हैव टू सॉल्व कैसे करोगे वन फोर टू जीरो पोर्शन का सेवेंटी वन परसेंट ऐसे सब का निकाल लो ठीक है फिर यहाँ पर आपको दी हुई है ये देखो प्राइस ऑफ द कोल इज एट्टी पर टन दैट इज मटीरियल डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट टू द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ आर फोर्टी एंड सिक्सटी रेस्पेक्टिवली पर टर्न ऑफ कोल और ये इंफॉर्मेशन भी पर टर्न ऑफ कोल ही दी है ठीक है कैलक्यूलेट द मटीरियल लेबर एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑन द बेसिस ऑफ वेट तो यह क्या है सब वेट ही है सेवेंटी वन सिक्स परसेंट वन पॉइंट वन परसेंट वन पॉइंट थ्री परसेंट ट्वेंटी पॉइंट सिक्स परसेंट तो यहां पर आपको लिखना है सिर्फ क्या मटीरियल एट्टी लेबर ओवर हेड कितना कितना दिया है वो फोर्टी एंड सिक्सटी रेस्पेक्टिवली, है ना लेबर एंड ओवरहेड। 40 फोर्टी एंड सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी यह है रुपीज 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 करो डिस्ट्रीब्यूट एटी इंटू सेवेंटी वन परसेंट कितना आएगा जितना भी आएगा वो आपको यहाँ पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ठीक है इस बॉक्स में अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हूँ दिस इज सो सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दो सब में ओके दिस इज द होमवर्क नाउ डिस्ट्रीब्यूशन जो पोर्शन है वो होमवर्क है आंसर में भी एक बार देख लो इन्होंने सॉल्व किया है हमने वर्टिकली सॉल्व किया है ठीक है ये देखो यहाँ पे सबसे पहले वेट निकाल लिया अब वेट इनको आ, हमको नहीं पता इन्होंने वेट कैसे निकाला यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिया नहीं है डायरेक्टली ये अमाउंट दे दिए ये लिख लिया और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ठीक है तो पहले वेट निकालो वेट कैसे निकालोगे जैसा मैंने ऊपर अभी बताया और आपको ये सारी कॉस्ट ऐसे निकलती जाएगी फिर है ना और फिर सबका टोटल करो सबका टोटल करो एज होमवर्क आपको इसमें लिखना है ठीक है एज अ होमवर्क इसमें लिखना है फिर यहां पे आप टोटल लिख सकते हो मटेरियल लेबर ओवरहेड यहां पे लिखो टोटल मटेरियल लेबर ओवरहेड यहां पे लिखो टोटल फर्क कुछ भी नहीं है वो नीचे वाला जो आंसर है वो हॉरिजॉन्टली सोल्व है हमने जो किया है वो वर्टिकल प्रेजेंटेशन किया है है ना क्वेश्चन के पास से आंसर सॉल्व निकालना दिस इज हाउ यू द ब्लैंक्स घर पे जाके आपको ये सब करना है ओके सो द होमवर्क इज वेरी इजी यू फॉर है ना ये बॉक्सेस में जो दिया है वो सब आपको निकालना है कुछ भी नहीं करना है एट्टीन टू सेवेंटी वन परसेंट फिर एट्टीन टू सिक्स परसेंट एट्टीन टू वन पॉइंट वन परसेंट एट्टी टू वन पॉइंट थ्री परसेंट एट्टीन टू ट्वेंटी पॉइंट सिक्स परसेंट सिमिलरली लेबर का भी करो फोर्टीन टू सेवेंटी वन परसेंट फोर्टीन टू सिक्स परसेंट फोर्टीन टू वन पॉइंट वन परसेंट फोर्टीन टू वन पॉइंट थ्री परसेंट फोर्टीन टू ट्वेंटी पॉइंट सिक्स परसेंट सिमिलरली फॉर ओवरहेड्स ठीक है अब मैं नहीं बोलती आप ही खुद बोल लो एक बार ठीक है दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थर्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन ओके एक बार लिखना है तो मैं जूम करती हूं स्क्रीन लिख लो क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पढ़ते हैं इसको एक बार अ फैक्ट्री इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एक्स केमिकल एक्स बना रहा है एंड इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर बाय प्रोडक्ट वाई इज प्रोड्यूस्ड केमिकल एक्स बना रहे हैं एक प्रोडक्ट अपने आप वाई बन गया उसको क्या बोलेंगे हम बाय प्रोडक्ट विच आफ्टर अ सेपरेट प्रोसेस हैज अ कमर्शियल वैल्यू एक और प्रोसेस लगेगी उसको ठीक है दोनों को भी एक्स को भी वाई को भी उसके बाद उनको एक कमर्शियल वैल्यू मिलेगी मतलब मार्केट में उसको बेच पाएंगे फॉलोइंग आर द द इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फॉर मंथ ऑफ मार्च मार्च के लिए दी है जॉइंट एक्सपेंसेस मतलब जब तक दोनों एक साथ बन रहे थे मशीन में तब तक जॉइंट एक्सपेंस लगा इतना 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 टोटल लगा सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है उसके बाद देखो जॉइंट तक ठीक है फर्दर प्रोसेसिंग दोनों को लग रहा है ज्वाइंट के बाद इतना खर्चा एक्स को लग रहा है इतना खर्चा वाई को लग रहा है ठीक है फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड रेस्पेक्टिवली बोलता है आउटपुट फॉर द मंथ वॉज वन फिफ्टी क्विंटल्स ऑफ एक्स एक्स के कितने क्विंटल्स बन रहे वन फिफ्टी क्विंटल एंड फिफ्टी क्विंटल्स ऑफ वाई ठीक है द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई इज रुपीज टू हंड्रेड अब देखो y के लिए इन्फॉर्मेशन दिए मतलब y का देखो प्रोडक्शन था कितना फिफ्टी क्विंटल्स y की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है टू हंड्रेड पर क्विंटल एंड देन द प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट y फिर से बोल रहे हैं क्या प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट y मतलब y की इंफॉर्मेशन सब देकर रखिए इसका कुछ मतलब है क्या यस yes. तो पहले हमको वर्किंग करना पड़ेगा वाई का क्योंकि वाई की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी है प्रॉफिट कितना बोल दिया थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस ऑन कॉस्ट प्राइस ऑन कॉस्ट प्राइस इंपॉर्टेंट प्रिपेयर एन अकाउंट टू शो द कॉस्ट ऑफ एक्स पर क्विंटल सेलिंग प्राइस देकर रखी है हमको कॉस्ट प्राइस पर क्विंटल एक्स की निकालनी है कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा कुछ दिमाग लगता है क्या एक बार ऊपर का वो जो ढांचा हमने बनाया था है ना? पहले देखो शीट का बनाया फिर हमने जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का बनाया दिखाओ कि आपको एक बार एक सेकेंड कुछ याद आया आपको शीट का हम पहले कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस फिर फैक्ट्री कॉस्ट उसके बाद आएगा ओवरहेड्स ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेलिंग एक्सपेंस ऐड करके कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आ जाएगा सेल्स अब हमको यहाँ पे तो दी है सेल्स की फिगर पहले तो हमको यही जो है ना ढांचा अब आप लर्न कर लो इसको भले लॉजिक तो पता ही है कॉस्टशीट का लर्न हो गया ना अब एग्जाम में अगर याद नहीं आया अरे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का कैसे बनाना है ये जो हम ढांचा बनाते हैं ये कैसे बनाना है तो एक काम कर लो पहले कॉस्टशीट का एक बार बना लो क्योंकि वो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा है ना और उसके बाद इसका बना लो तो इसका सब कुछ उल्टा जाएगा उल्टा जाएगा तो देखो यहाँ ऐड किया है सब कुछ यहाँ लेस किया है ठीक है उल्टा है ना तो इसलिए लेस किया है सब लॉजिकली भी देखो सेल्स में से कॉस्ट माइनस सॉरी सेल्स में से प्रॉफिट माइनस तो मिल गया कॉस्ट कॉस्ट में से फिर सेलिंग ओवर माइनस किए तो फिर उसके पहले का क्या आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एडमिन ओवर माइनस किए तो फैक्ट्री कॉस्ट अब फैक्ट्री कॉस्ट में दो कॉस्ट आती है ज्वाइंट कॉस्ट एंड सेपरेट कॉस्ट ठीक है यही वाला जो ढांचा है हम नीचे भी यूज करने वाले देखो कैसे करेंगे सबसे पहले तो y का कैलकुलेशन करेंगे का हम लोग अभी ब्लैंक छोड़ते हैं का सॉल्व करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है यहां पर लिखू मैं सेल्स क्वांटिटी सेल्स क्वांटिटी कितनी है फिफ्टी क्विंटल्स इसकी है 200 बट इसका कुछ अभी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो कुछ नहीं लिखते अभी यहां पर लिखिए सेल्स प्राइस कितनी है सेल्स प्राइस रुपीज टू हंड्रेड तो टोटल सेल्स कितना आ गया टोटल सेल्स करेंगे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू हंड्रेड इंटू फिफ्टी करेंगे तो टेन थाउजेंड आ गया टोटल सेल्स प्राइस अभी हमको क्या करना है यहां से प्रॉफिट माइनस करना है प्रॉफिट माइनस करना है बट इन्होंने बोला थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ऑन कॉस्ट दिया तो सेल्स है पूछा तो कॉस्ट पे है अब कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100% परसेंट अज्यूम कॉस्ट थर्टी अज्यूम प्रॉफिट अज्यूम क्या दिया है वो प्रॉफिट कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स कितना आ गया थर्टी वन आ गया सेल्स हमको क्या गिवन है सेल्स लिखो यहां पर सेल्स के आगे टेन थाउजेंड निकालो कॉस्ट निकालो या प्रॉफिट निकालो कुछ भी निकालो प्रॉफिट भी निकाल सकते कॉस्ट भी निकाल सकते प्रॉफिट कैसे निकालेंगे टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री इंटू थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री कितना आ गया टू फाइव डबल जीरो अब ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो फिर है ना हमको प्रॉफिट मिल गया सेल्स पता है सेल्स माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट है ना तो यहां पर मैं लिखूँ प्रॉफिट कितना है 2500 ठीक है ये वर्किंग नोट है यहां पर मैं लिख देती हूं वर्किंग नोट अब मुझे इज इक्वल टू कॉस्ट मिल गई कितनी 7500 7500 अब देखो ऊपर उन्होंने दिया है अब हमको यहां पे से कॉस्ट क्या है दो कॉस्ट आनी चाहिए ये कॉस्ट का दो सेपरेशन है ठीक है यहां पर कुछ जो गिवन कॉस्ट है वो सेपरेट कॉस्ट दी हुई है सेपरेट कॉस्ट इज गिवेन कितनी है वो टोटल निकाली थी हमने कितनी गिवेन है थ्री हंड्रेड ये गिवन है कर दो सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड गिवेन तो ये क्या है फिर दिस इज सेपरेट दिस इज ज्वाइंट कॉस्ट है ना दो कॉस्ट होती है देखो एक तो ज्वाइंट कॉस्ट उसके बाद सेपरेट कॉस्ट तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस सिक्स थ्री डबल जीरो फिर सेपरेट ज्वाइंट कॉस्ट कितना आ गया ज्वाइंट कॉस्ट आ, आ गया इसका वन टू डबल जीरो वन टू डबल जीरो तो यहां पर मैं ऐसा सेपरेटली लिख देती हूं फिर क्या वाई का जॉइंट कॉस्ट कितना है 1200 सेपरेट कॉस्ट कितना है 6300 ठीक है ये हो गया पूरा वाई का वर्किंग है ना पूरा वाई का वर्किंग हो गया ये अभी यहाँ पर मैं इसमें टोटल लिख दूँ क्या साइड में टोटल कितना है जॉइंट कॉस्ट का टोटल कितना दिया है सिक्सटीन ये देखो सिक्सटीन दिया है टोटल कितना है देखो टेन थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड दे दिया कितना सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसमें से हमको ये पता चल गया कि बारह सौ जो है वो केवल वाई का है तो यहाँ पर मैं लिख दू थाउजेंड फाइव हंड्रेड दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर एक्स का कितना होगा एक्स का कितना होगा फिफ्टीन थ्री हंड्रेड और ये तो गिवेन है यह भी गिवन ही था कितना गिवेन है सिक्स थ्री डबल जीरो y का और x का कितना है 5900 लिख दू मैं यहां पर 5900 यहां पर बाहर टोटल ठीक है समझ में आती है बात अभी सिंपल है अभी टोटल कॉस्ट मिल गया ये क्या है जॉइंट कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट दोनों का टोटल निकालो यहां पर कितना है एक्स का फिफ्टीन थ्री हंड्रेड प्लस फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये गिवन है ठीक है मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐड करके वहां पर हमने ये टोटल लिखा है तो कितना आ गया ये टोटल कॉस्ट एक्स का कितना है ट्वेंटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड टोटल करो इसका और इसका नेक्स्ट इसका टोटल करोगे तो कितना आ गया सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आ गया टोटल कॉस्ट क्वांटिटी तो हमको दी हुई थी क्वांटिटी कितनी दी हुई थी इसकी कितनी क्वांटिटी दी हुई थी 150 फिफ्टी की और y की कितनी 50 तो अब निकाल लो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट यही क्वेश्चन में पूछा है सेलिंग प्राइस दी हुई है कॉस्ट प्राइस निकालनी है कितनी आएगी इसकी कैसे करेंगे इसको कॉस्ट है टोटल ट्वेंटी वन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी है फिफ्टी क्विंटल्स तो कितनी आ गई करो 21 वन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन फिफ्टी पर क्विंटल पर क्विंटल और यहां पर कैसे आएगी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिफ्टी क्विंटल इज इक्वल टू कितना आ गया फिर वन फिफ्टी पर क्विंटल दिस इज द आंसर वन फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री आंसर में भी मैं आपको दिखाती हूं एक बार अगर मैं ये सॉल्व नहीं करूँ अभी ठीक है अगर आप क्लास ना लो खुद से अगर सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो तो देखो जॉइंट एक्सपेंस यहाँ पर ये गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दिया टोटल लिख दिया और अपने आप ये फिगर्स वाई में डाल दी एक्स में डाल दी कहाँ से आया कहाँ से आया ये बारह सौ और पंद्रह सौ पंद्रह हजार तीन सौ कहाँ से आया ये पता नहीं कोई वर्किंग नोट नहीं है देखो डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया है देर इज नो वर्किंग नोट और फिर क्या किया उन्होंने ये जो x का एक्सपेंस आया ये x में देखो ट्रांसफर कर दिया ये तो गिवन है ये गिवन है ये यहाँ से ट्रांसफर कर दिया और बस पर क्विंटल प्राइस निकाल ली 141.33 पर क्विंटल ये देखो यहाँ पर 21200 उसके बाद निको नीचे देखो y अकाउंट y अकाउंट में भी सेम किया ऊपर से देखो ट्रांसफर कर दिया 1200 ये इंफॉर्मेशन गिवन है और फिर पर क्विंटल प्राइस निकाल लिए यहां पर और ये टोटल कॉस्ट अब एक भी वर्किंग नोट नहीं है यहां पर सेल्फ स्टडी अगर कोई करे तो फिर कहां से पता चले कि ये ये जो है ये कहां से कैलकुलेशन होकर आया है इसका है ना मुझे खुद को टाइम लगा सॉल्व करने में ठीक है टू बी ऑनेस्ट एकदम ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं तो ये देखो इफ यू कैन सी दिस इन द बुक पहले मैंने खुद सॉल्व किया है इसको एंड देन आई एम सॉल्विंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है पहले मुझे भी वक्त लगा कि कैसे ये कहाँ से आई है फिगर्स ठीक है फिर मैंने सोचा कि देखो वाई का इन्फॉर्मेशन सब दिया हुआ है देन मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया ठीक है नाउ इट इज़ क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कहाँ से आ रहा है प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है फिर ये देखो माइनस करके ये सेपरेट कॉस्ट गिवन है तो बैलेंसिंग फिगर क्या है फिर बैलेंसिंग होगा फिर जॉइंट कॉस्ट अब जॉइंट कॉस्ट सिर्फ y का इतना है तो बैलेंसिंग से मैं x का निकाल सकती हूँ क्योंकि मुझे टोटल गिवेन है. है ना ऐसा फ्लो होना चाहिए पूरा ठीक है कॉपी डाउन ओके okay. अब ये जो अकाउंट्स है ना आप कॉपी में खुद से बना लो दिस इज़ होमवर्क अब ये एकदम आसान है समझने के लिए यहाँ पर मैंने मार्किंग भी कर दी है और वर्किंग नोट्स तो हमने ऑलरेडी बना लिए है सो प्रिपेयरिंग अकाउंट इज़ होमवर्क फॉर यू कॉपी में लिखना है कंपलसरी है नहीं तो फेल हो जाते ठीक है कॉपी में लिखना है ये तीनों भी अकाउंट्स जॉइंट एक्सपेंस अकाउंट एक्स अकाउंट वाई अकाउंट ठीक है लिखना है आपको ये ओके okay. बिकॉज मैं भी सॉल्व करती हूँ हाँ आई ऑल्सो सोल्व दिस बिफोर टीचिंग यू हीयर मैं खुद भी करती हूँ सोल्व तो आपको भी करना है अब दे इट मे डजेंट मेक एन ई सेंस कि मैं ये अकाउंट्स को फिर से सॉल्व करूँ है ना इससे बेटर है कि मैं दूसरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि देखो वर्किंग नोट्स बुक में है ही नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है कि कौन सी फिगर कहाँ से आई है फिर ठीक है अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे सॉल्व क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा ना फिर ये अकाउंट्स कैसे बने हैं ये अमाउंट्स कहाँ से आ रही है कैसे सॉल्व किया है कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर हो अनटिल एंड अनलेस उस क्वेश्चन का थोड़ा सा वर्किंग नोट या कहीं से हिंट ना मिले तो उसको फिर सेल्फ प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है फिर उसको आपको लगती है क्लास एंड देन यू शुड ज्वाइन माई क्लास एंड टेन अदर्स ऑल्सो टू ज्वाइन माई क्लास कि उनको ये सारी वर्किंग नोट्स फिर मिल जाए ठीक है ओके लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट लेट्स रीड इट नाउ व्हाट डज इट से इन मैन्युफैक्चरिंग द मेन प्रोडक्ट ए अ कंपनी प्रोसेसेस द रिजल्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू टू बाय प्रोडक्ट्स दैट इज बी एंड सी एक मेन प्रोडक्ट है दैट इज ए बी एंड सी इज बाय प्रोडक्ट जिसको ये कंपनी क्या कर रही है उसको फर्दर प्रोसेस कर रही है यूजिंग रिवर्सल कॉस्ट मेथड ऑफ बाई प्रोडक्ट्स प्रिपेयर अ कम्पेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द थ्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा उन्होंने क्या बोला है बी और सी का हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है ऐसा रिवर्स कैलक्युलेट करके सबका कॉस्ट निकालो ओके कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालो टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन पॉइंट इज हाउ मच सिक्सटी एट थाउजेंड मतलब तीनों का जो साथ में होने वाला खर्चा है उसका खर्चा दे दिया उन्होंने और कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन मतलब खुद का खुद का खर्चा तो यहां पर समझता है ए फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ है बी और सी फर्दर प्रोसेस हुआ है अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं टेबल में क्या दिया है सेल्स दिया है देखो सबका सेल्स एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट टू सेल्स वैल्यू परसेंटेजेस दे दिए देखो यहां कुछ नहीं यहां ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स वैल्यू ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया क्या समझ में आता है यहां से फिर से वो जो ऊपर ढांचा बनाया था हमने उसी को यूज करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन पुटअप करके हमारे आंसर्स निकालेंगे लेट्स डू दैट कैसे आएगा देखो ए बी सी इतना लिख लेती हूँ उसके बाद ए के साथ पूरा बनाएंगे हम लोग ठीक है सेल्स सेल्स माइनस प्रॉफिट सेल्स की फिगर दी हुई है ना ये गिवन है सेल्स ठीक है तो हमको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी कॉस्टिट में कॉस्ट से करते और से ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक में क्या करेंगे सेल्स से शुरुआत करेंगे सॉल्व करने का सेल्स माइनस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्या करना है अभी सेलिंग एक्सपेंसेस यहां पर दिए हुए देखो इसीलिए करेंगे सेलिंग एक्सपेंस माइनस करके क्या मिलेगा हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है इसमें फिर से दो चीजें होगी क्या जॉइंट कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट चलो पुट करो इसमें सारी फिगर्स पुट करो आई विल वेट मैं वेट करूंगी आप भी पुट करो मैं भी इसको सॉल्व करूँगी ठीक है ओके आई हैव रिटर्न ठीक है मैंने लिख दिया देखो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है ना बुक में वो सब लिख दिया प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है बी और सी का सेलिंग एक्सपेंस का भी परसेंटेज दिया हुआ है और सेल्स सबका गिवन है दिस इज गिवन और जो भी परसेंटेज दिए हैं वो सेल्स के दिए हैं तो ये और ये वहां से निकाल लो ठीक है फाइंड आउट सेपरेट कॉस्ट भी गिवन है जो भी यहां पर लिखा है अभी वो सब गिवन है ठीक है एक बार देखो ऐसे गुस्से से देखो इस टेबल को है ना ओके okay. अभी देखो बी का और सी का सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ठीक है एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन करो सिक्सटीन थाउजेंड माइनस थ्री टू डबल जीरो वो करोगे तो आ गया क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करो और ये जो सेपरेट कॉस्ट है ना ये माइनस करोगे तो यू गेट वॉट ज्वाइंट कॉस्ट ना देखो ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस थ्री टू डबल जीरो टोटल कितना खर्चा है नाइन सिक्स डबल जीरो का टोटल खर्चा उसमें से फोर एट डबल जीरो दिस इज सेपरेट कॉस्ट तो बचा हुआ कितना ये ज्वाइंट कॉस्ट तो कितना आ गया ज्वाइंट कॉस्ट अभी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो यहां पर ये जो स्टार लिखा है ना यहां पर लिख दो नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अब फिर से इसी को भी सॉल्व करेंगे सी को सॉल्व करेंगे सी इज हाउ मच ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेल्स प्रॉफिट सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड कॉस्ट बन गई सिक्सटीन एट हंड्रेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड एट हंड्रेड टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए बारह हजार दो पार्ट्स सेवन टू डबल जीरो इज सेपरेट कॉस्ट तो फिर ये वाली कॉस्ट कितनी आ जाएगी ज्वाइंट वाली करो माइनस सेवन टू डबल जीरो फोर थाउजेंड एट हंड्रेड आ गया इस तरीके से ज्वाइंट कॉस्ट आ गई दोनों की बी एंड सी की अब देखो टोटल कॉस्ट गिवन इन द क्वेश्चन इज सिक्सटी एट थाउजेंड ये गिवन है ठीक है ये गिवन है बी और सी की आ गई तो बैलेंसिंग फिगर हम जॉइंट कॉस्ट निकाल सकते हैं आप ए की निकालो सिक्सटी एट थाउजेंड माइनस नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी एट थाउजेंड माइनस नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड माइनस फोर थाउजेंड एट हंड्रेड कितनी आ गई इसकी जॉइंट कॉस्ट फिफ्टी थ्री सिक्स हंड्रेड सेपरेट कॉस्ट कुछ दी नहीं है सुनील so, तो देखो जहां डबल स्टार किया है ना वो क्या है जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए अब इन तीनों का अगर टोटल करोगे तो यू गेट वॉट सिक्सटी एट थाउजेंड अब सब इंफॉर्मेशन आ गया देखो सेपरेट कॉस्ट दी नहीं है जॉइंट कॉस्ट दी है अभी उल्टा कैलकुलेशन करो है ना देखो जॉइंट कॉस्ट एड सेलिंग एक्सपेंस ये कर दोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा फिफ्टी थ्री सिक्स हंड्रेड प्लस थर्टी टू एट हंड्रेड यू गेट कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड सोल्ड एज एटी सिक्स फोर हंड्रेड अब कॉस्ट भी है सेलिंग प्राइस भी है प्रॉफिट निकाल लो बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकाल लो बैलेंसिंग फिगर से दैट इज वन सिक्सटी फोर ट्रिपल जीरो माइनस एटी सिक्स फोर हंड्रेड यू गेट हाउ मच वेट ट हाउ मच सेवेंटी टू एट हंड्रेड सब आ गया देखो ए की टेबल में सब आ गया है ना एवरीथिंग यू गेट हिंसर में देखो कैसा सोल्व किया है पहले बी और सी का सोल्व कर लिया उन्होंने ठीक है पहले बी और सी का सोल्व करके निकाल लिया दोनों का ज्वाइंट कॉस्ट अब दोनों का ज्वाइंट कॉस्ट इतना है और टोटल इतना गिवेन है तो सिर्फ ए का प्योर कितना है फिफ्टी एट फोर हंड्रेड हमने भी ऐसे ही किया बस ए ही टेबल में पूरा कर लिया ठीक है उसके बाद यहां पे उन्होंने फिर से देखो तीनों के लिए सॉल्व किया है तो इतना मेहनत करो ही मत ना ये फिर से इन्फॉर्मेशन क्यों लिखनी है देखो पूरी इन्फॉर्मेशन फिर से लिखी है ये यहाँ पर सीधा सॉल्व किया था ये उल्टा सॉल्व करके आ गया है ना सिर्फ यहाँ पे एक का इन्फॉर्मेशन पुटअप करके इसका ही सब कुछ सॉल्व करना है ठीक है हमको देखो जॉइंट कॉस्ट मिल गई सेपरेशन कॉस्ट दी हुई नहीं है फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल गई सेलिंग एक्सपेंस ऐड करके टोटल कॉस्ट मिल गई सेल्स गिवन था इट वाज गिवन टू अस और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ गया यही चीज सेपरेटली करने से बेटर है हमने क्या किया एक ही इसमें सॉल्व कर लिया पूरा अभी अगर ऐसे सॉल्व करना है तो यू कैन गो एंड सॉल्व दिस वे नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है ऐसा भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो प्रेजेंटेशन इज मैटर ऑफ चॉइस ठीक है तो आई शो यू अगर आपको कॉपी करना है तो आप वो वाला कॉपी कर लो ओके आई शो यू दैट हो गया कॉपी करके आई होप हो गया ठीक है नहीं हुआ तो आपको क्या करना है जितनी देर मैं स्क्रीन को रख रही हूं अगर फिर से मेरा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो गया तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर लो और उसके बाद एक बार कॉपी करके फिर आप रिज्यूम कर सकते हो ओके विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन थर्टी एट इसका एक बेसिक ढांचा बनाकर आपके लिए होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन ओके okay? पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन का हम निकाल लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो पूरा पुट कर लेंगे उसके बाद बैलेंसिंग फिगर से आपको पूरा सॉल्व करना है ठीक है लेट्स सॉल्व लेट्स रीड द क्वेश्चन द प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स वन मेन प्रोडक्ट वन मेन प्रोडक्ट एंड टू बाय प्रोडक्ट्स देखो एक मेन प्रोडक्ट है दो बाय प्रोडक्ट है ठीक है डेटा फॉर द मंथ एज शोन बिलो सेल्स दिया हुआ है बिफोर सेपरेशन की कॉस्ट दी हुई है इसको बाइफर्केट करके नहीं दिया हुआ है ठीक है मेन प्रोडक्ट का दे दिया सिर्फ बाकी दोनों का कुछ दिया नहीं आफ्टर सेपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ना देखो ये सब दिया है आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट परसेंटेजेस दे दिए किसका पहले तो बैलेंसिंग फिगर से सेलिंग कॉस्ट आएगी टोटल फिर उसका हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन मेन प्रोडक्ट ए एंड बी और उसके बाद नेट प्रॉफिट इन सेल्स बोल दिया ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन परसेंट टेन परसेंट मतलब ये सेल्स का रहेगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू ट्वेंटी परसेंट करोगे तो फिर आ जाएगा आपको क्या प्रॉफिट ठीक है लेट्स सॉल्व द आंसर इंपॉर्टेंट चीज दिस इज नॉट ऑफ मेन प्रोडक्ट ये सबकी तीनों की मिला के है ठीक है तो ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए प्लीज़ करेक्शन है वो तो वो जो मेन प्रोडक्ट में दिया है ना उन्होंने तो वो सेवेंटी फाइव थाउजेंड ये मेन प्रोडक्ट का नहीं है सिर्फ ये सबका तीनों का मिलाकर है तो ये कॉमन है ठीक है कॉमन में है ए बी और सी तीनों का मिला के हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पर गलत से दे दिया आप इसको स्ट्राइक करके अंदर इनर कॉलम में लिख दो ऐसे ठीक है बिफोर सेपरेशन ओके अब ये दिखता है आपको जितना भी मैंने पिंक पेन से लिखा है ठीक है वॉट एवर आई हैव रिटन इन पिंक पेन एक्सेप्ट फॉर ब्लू वाला जो है वो तो फाइंड आउट किया है जो पिंक पेन में लिखा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन सब कुछ गिवन है ठीक है इट इज गिवेन इन्फॉर्मेशन देखो आप एक बार ठीक है सेल्स दिया हुआ है प्रॉफिट के परसेंटेजेस दिए हुए हैं सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं बट टोटल एक्सपेंस हमको पहले वो निकालना पड़ेगा है ना सेल्स का टोटल एक्सपेंस हमको निकालना पड़ेगा पहले फिर उसके बाद हमको एडमिन ओवरहेड्स दिए हुए हैं सिंगल सिंगल सबके सेपरेट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और जॉइंट एक्सपेंस का पूरा टोटल खर्चा दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं इस कॉलम को सॉल्व करूंगी टोटल कॉलम को सॉल्व करूंगी है ना सब में पहले लिख लो ये सेल्स ए में बी में सी ये मेन प्रोडक्ट ए एंड बी सेल्स लिख लो है ना प्रॉफिट फिगर्स लिख लो कॉस्ट दी हुई लिख लो और टोटल कॉलम में टोटल कर करके लिख दो ठीक है अब क्या करना है आपको क्योंकि देखो सिंगल सिंगल सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि हमको जो जॉइंट कॉस्ट दिया हुआ है वो डायरेक्टली सेवेंटी फाइव थाउजेंड दिया हुआ है यहां का दिया नहीं है जहां मैंने स्टार मार्क किया है तो सबसे पहले टोटल कॉलम को सॉल्व करो वहां से ये बैलेंसिंग फिगर आएगा सॉल्व फॉर दिस फर्स्ट कैसे निकालोगे वन लैख सिक्सटी नाइन थाउजेंड माइनस थर्टी टू फाइव हंड्रेड करोगे तो वन लैख थर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड ये कॉस्ट आ गई है ना वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड यह हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके बाद देखो हमको सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए नहीं है तो वहां स्टार मार्क कर दो सिर्फ फिर उसके बाद हमको एडमिन ओवरहेड्स दिए हुए हैं तीनों के दिए हुए हैं तीनों की टोटल बाहर निकाल के लिख दो फोर्टीन फाइव हंड्रेड और सेपरेट एक्सपेंसेस भी सबके दिए हुए हैं वो भी बाहर टोटल लिख दो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड और सेवेंटी फाइव थाउजेंड इज गिवेन सब इंफॉर्मेशन गिवेन है सब को माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो है आपका सेलिंग एक्सपेंस टोटल सेलिंग एक्सपेंस टोटल कितना आ गया ट्वेंटी थाउजेंड अब देखो वो जो परसेंटेजेस दिए हुए हैं ना आई शो यू वेट अब जो ये परसेंटेजेस दिए हुए हैं एटी फाइव थाउजेंड टेन परसेंट फाइव परसेंट अब ये बीस हजार हमको आ गए टोटल मिल गया अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ एटी फाइव परसेंट टेन परसेंट फाइव परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो कुछ ऐसा आएगा सब ठीक है सेवेंटीन थाउजेंड टू थाउजेंड वन थाउजेंड ठीक है ऐसा सब कुछ आएगा वो यहाँ पर मैं फिर भी लिख देती हूँ ये एटी फाइव परसेंट है ये टेन परसेंट है और ये फाइव परसेंट है किसका ट्वेंटी थाउजेंड का ठीक है वहाँ से ये एक्सपेंस आ गए अब कुछ नहीं अब पूरी इंफॉर्मेशन है मेन प्रोडक्ट का ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है है ना ये हमने अभी फाइंड आउट करके निकाल लिया ये भी गिवन है ये भी गिवन है निकालो आप बैलेंसिंग फिगर से शेयर ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस शेयर ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस यहां पर आएगा सिक्सटी एट थाउजेंड यहां पर आएगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड और टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ये आ गया सबका शेयर ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस तो हमने फाइंड आउट सिर्फ तीन चीजें करी है देखो यहां पर भी मैं ब्लू से बीस हजार को लिख देती हूं है ना ये पहले सॉल्व करना है फर्स्ट फिर ये देखो ये सेलिंग एक्सपेंस सेकेंड ये आपको सेकेंड सॉल्व करना है और फिर थर्ड आपको ये शेयर ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस सॉल्व करना है सी इट विल लुक लाइक दिस अभी छोटा दिख रहा रहेगा मैं जब स्क्रीन को जूम कर दूंगी ना तो आपको अच्छे से विजिबल रहेगा ये ओके एक बार आंसर में देख लेते हैं उसके बाद मैं स्क्रीन को जूम करती हूँ ये देखो इन्होंने क्या किया पहले इन्होंने सेलिंग एक्सपेंस निकाले हमने भी वही किया बट हमने एक ही बक्से में किया ठीक है उन्होंने भी पहले सेलिंग एक्सपेंसेस निकाले उसके बाद उन्होंने क्या किया सेलिंग एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने भी सेकेंड स्टेप यही किए और फिर उन्होंने बैलेंसिंग फिगर जो है ज्वाइंट एक्सपेंसेस निकाल लिए ठीक है ये निकाल लिए दिस वॉज गिविन है ना दिस वॉज फाउंड आउट ये उन्होंने बैलेंसिंग से निकाला और ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करके निकाला परसेंटेजेस गिविन थे तो आप ये एक डब्बा स्किप कर सकते हो ठीक है यू कैन स्किप दैट डब्बा ये देखो ये सेम इंफॉर्मेशन यहां लिखी है ये जो टोटल में गिवन है ना ये सेम इंफॉर्मेशन है सिर्फ जो ढांचा बनाया ना वो उन्होंने इस तरीके से बनाया कि एंड में सेलिंग एक्सपेंस आ जाए बट कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप तो बक्से में ऐसे भी पूरा लिख कर बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो ना इतना तो क्लियर होना चाहिए कि, कि किस चीज को ऐड करना है रिवर्स कर रहे हैं तो कैसे करना है सीधा कर रहे हैं तो क्या करना है इतना तो देखो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के करना पड़ेगा आई होप मैं उतना अज्यूम करके चलती हूं कि उतना लॉजिकली आप सॉल्व कर सकते हो नहीं तो फिर दिस इज बेटर फॉर यू वैसा नहीं जम सकता तो फिर यह बेटर है बट फिर उतना फिर दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से लिखे यहाँ पे देखो अलग लिखा है सेल्स माइनस प्रॉफिट उसके बाद जो जॉइंट सेपरेट एक्सपेंस एडमिन फिर सेलिंग एक्सपेंस निकाला उसके बाद यहाँ पर कढ़ाचा अलग है सेल्स प्रॉफिट टोटल कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस यहां आ गया बीच में फिर क्या करोगे तो फिर वो लर्न थोड़ी करना पड़ेगा वो तो फिर आना चाहिए टाइम पर कि कैसा बनाना है उसको ठीक है तो ये अगर जमता है तो ये वाला कर लो नो प्रॉब्लम ये तो बुक में ही दिया हुआ है फिर अगर मेरा वाला सॉल्व किया हुआ आपको करना है तो आई शो यू द स्क्रीन और आपको मैंने जो सॉल्व किया है वो आपको कॉपी में लिखना ही है भले ही आप उसको एग्जाम में ऑप्ट करो या नहीं करो उस वाले मेथड को बट नोटबुक में आपको ये वाला मेथड लिख के रखना है सो so दैट जब आप पढ़ो या इस वीडियो को फिर से दोबारा देखो तो आपको वो समझ में आ जाए कि क्या लिखा है ठीक है आई शो यू द स्क्रीन ठीक है मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये सब कॉपी हो चुका है और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये बोलनी थी एक्चुअली स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था बट अभी बोल दे रही हूँ अगर आपको नहीं पता तो ये देखो पहले ऐसे आंसर जब भी सॉल्व कर रहे हो ना तो पेपर के ऊपर साइड या जहाँ पे मार्जिन होता है वहाँ पर ऐसे लिख दो क्वेश्चन थर्टी पेज नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर जो बुक है हमारा है ना वहाँ पर यहाँ पे जो आपको है ना कोई भी नोटबुक में यहाँ पर आता है ना पेज नंबर डेट तो यहाँ पर पहले ही पेज नंबर डाल के रखो से फॉर एग्जाम्पल ये ट्वेंटी वन पेज नंबर है तो जहाँ पे बुक है ना क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है ना वहां पर आप साइड में लिख दो पेज ट्वेंटी वन सो दैट कॉपी में रहेगा नोटबुक अच्छा कॉपी में रहेगा बुक का पेज नंबर और बुक में रहेगा कॉपी का पेज नंबर तो वाइस वर्सा जब भी आप सॉल्व कर ये मतलब प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो सॉल्व करना है आपको तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा आंसर और क्वेश्चन ढूंढने में ठीक है अगर सपोज एग्जाम के दिन आप आकर ये क्वेश्चन ये आंसर देख लिया आपने और आपको लगा नहीं ये मुझे करना है तो आपको तुरंत फिर पता चल जाएगा ओके okay, बुक के जो 321 पेज नंबर है ना वहां पर मेरा ये क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा 39 क्विकली आप उसका पेज नंबर मतलब आपको पता है कि कौन सा पेज नंबर है तो आप वहां जाकर देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके का है ठीक है या तो फिर अगर क्वेश्चन बुक खोल ली और पता चल गया अरे क्वेश्चन थर्टी नाइन है इसका आंसर कहां पर है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो आपका नोटबुक का पेज नंबर है ना ट्वेंटी वन वहां पर सॉल्व किया हुआ है ठीक है नोटबुक का जो पेज नंबर है ट्वेंटी वन वहां सॉल्व किया है आप तुरंत आंसर को देख सकते हो ठीक है आई होप दिस इज क्लियर ऐसा ही करो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट क्वेश्चन नंबर फोर्टी इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वराइटीज फॉलोइंग डेटा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एन वाई दिया हुआ है डायरेक्ट मटीरियल लेबर ओवर हेड वन फिफ्टी परसेंट ऑफ लेबर और फिगर भी दे दिया फिक्सड ओवर हेड टू लैक द एनालिस ऑफ द सेल्स रिवील दैट द परसेंटेज ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज सिक्सटी सिक्स टू थर्ड परसेंट मैनेजमेंट कंटेम्पलेट्स टू प्रोसेस फॉरदर जॉइंट प्रोडक्ट्स सो दैट दे कु हायर रेट्स देखो क्या हुआ ना एक प्रोडक्ट कुछ तो वो सेल करना है उनको एक्स वाई प्रोडक्ट ठीक है अब प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब प्राइमरी प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बन गई है एक्स एंड वाई अब मैनेजमेंट बोल रही है इन जॉइंट प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करना है फर्दर प्रोसेसिंग ऐसे ही हो जाएगी क्या नहीं होगी ऐसे उस पर भी क्या करना पड़ेगा कुछ एक्सपेंसेस लगेंगे तो ये देखो ये एक्सपेंसेस दे दिए फिर ठीक है ये देखो आ, ये तो है सेल्स आफ्टर प्रोसेसिंग और ये क्या है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई देखो यहाँ पर कितने में बिक रहा है ये सात लाख पचास हजार और फर्दर प्रोसेस करके बे, बेचेंगे तो नौ लाख में बिकेगा ज्यादा में ही बिक रहा है मतलब देखो फर्दर प्रोसेस करके प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ तो अच्छी बन रही है सो दैट वो हायर प्राइस पे सेल करे बट देखो ठीक है मान लिया हायर प्राइस पे सेल होगा बट एडिशनल कॉस्ट को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ऐसा नहीं हो कि एडिशनल कॉस्ट ही ज़्यादा हो गई और हमको जो प्रॉफिट है वो बच ही नहीं रहा है तो देखो वो बोलते हैं एडिशनल मटीरियल और लेबर इतना इतना लगेगा इतना इतना लगेगा ठीक है ये टोटल फिगर्स अभी हमको रेकमेंड करना है कि कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया जाए और कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस ना किया जाए सॉल्व करें इसको ओके okay. प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई क्या बोलते हैं वो वॉट डज इट से ओके सेल्स बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कितना हो रहा है दोनों का मिला के टोटल सात लाख पचास हजार ठीक है सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या बोल दिया उन्होंने कितने में बिकने वाला है ये छह लाख में और ये तीन लाख में ठीक है और टोटल कितना है नाइन लाख ओके क्वेश्चन में जो से एक्स का जो सेल्स का परसेंटेज है ना वो इतना है ठीक है बताती हूँ एक बार एक देखो परसेंटेज ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्सज सिक्सटी सिक्स टू थर्ड परसेंट अभी देखो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन वो डायरेक्टली भी दे सकते हैं जैसे ये दोनों दे दिए वो डायरेक्टली ऊपर का भी दे सकते हैं बट स्टूडेंट्स दिमाग लगाए थोड़ा सा कैसी इंफॉर्मेशन दी है उसको ग्रास करके लिखे इसीलिए ऐसा सब कुछ दिया है ओके okay? तो क्या बोलते हैं वो एक्स का जो परसेंट है वो कितना है सिक्सटी सिक्स टू थर्ड परसेंट दैट इज सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट तो आप अगर परसेंटेज लगाओगे सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड इनटू सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट करोगे तो एक्स का आ गया फाइव लाख यूनिट्स मतलब प्राइस फाइव लाख नॉट यूनिट्स और एक्स का कितना आ जाएगा फिर बैलेंसिंग से निकाल लो एक सेकेंड में थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ यहां पर एक लाइन में फाइव लाख टू लाख फिफ्टी थाउजेंड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ, क्या आएगा अभी एडिशनल सेल्स आएगा देखो फर्दर प्रोसेस करके छः लाख ,00 में बिक रहा है बिना फर्दर प्रोसेस किए पाँच लाख में बिक रहा था मतलब एक्स्ट्रा अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो एक्स्ट्रा एडिशनल सेल कितने का हो जाएगा वन लाख ,00 का ठीक है और यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग के बाद तीन लाख प्रोसेसिंग के पहले ढाई लाख एक्स्ट्रा कितना सेल हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड और यहाँ पर टोटल भी लिख दो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एडिशनल सेल्स हो रहा है पर एडिशनल कॉस्ट भी तो लग रही है तो यहां पर आपको लिखना है फिर एडिशनल कॉस्ट ये गिवन है गिवन है देखकर बताओ और लिखो भी यहां पर आ गया आई हैव रिटन यह है एडिशनल सेल्स और यह है एडिशनल कॉस्ट तो यहां पर अब जो आएगा वो आएगा एडिशनल प्रॉफिट और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट तो यहां पर क्या आ रहा है नील जितना एडिशनल सेल्स हुआ उतना तो एडिशनल खर्चा भी लग गया देखो पचास हजार बीस हजार तीस हजार कितना हो गया एक लाख एक लाख खर्चा एक लाख एडिशनल सेल्स कोई फायदा नहीं है बना के मेहनत भी मत करो एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट मिलता होगा तो मेहनत करो है ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है तो मेहनत किस बात की नो no मेहनत तो इसका हम डिसीजन बोलेंगे एक्स को हम फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे नॉट टू बी फर्दर प्रोसेस्ड ठीक है एक्स को फर्दर प्रोसेस करना है क्या नहीं करो क्योंकि एडिशनल प्रॉफिट कुछ भी नहीं है और यहां पर कितना एडिशनल प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजेंड माइनस एट थाउजेंड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड तो यहां पर हमको एडिशनल टेन थाउजेंड का प्रॉफिट हो गया ठीक है एडिशनल सेल्स हो रहा है एडिशनल खर्चा भी हो रहा है तो एडिशनल प्रॉफिट भी हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है टेन थाउजेंड रुपीज का तो अब जब हमको मेहनत करके अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो इसको हम फर्दर प्रोड्यूस करेंगे फर्दर प्रोसेस करेंगे क्या ये yes. फर्दर प्रोसेस करो इसको फर्दर प्रोसेस द अपनी भाषा में लिख सकते हो और टोटल प्रॉफिट कितना आ गया एडिशनल टेन थाउजेंड ठीक है इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो एक बार बुक के आंसर को मैं बताती हूं आपको सी सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेस दिया है स्प्लिट ऑफ का सेल्स दिया है इंक्रीमेंटल सेल्स इतना इतना उसके बाद इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये मटेरियल लेबर ओवरहेड मटेरियल लेबर ओवरहेड सबका इन जो प्लस माइनस करके इंक्रीमेंटल प्रॉफिट लॉस इतना आ गया ठीक है ये देखो यहां पर डैश यहाँ पर टेन थाउजेंड तो नीचे क्या बोला है इट इज रिकमेंडेड टू फर्दर प्रोसेस वाई ठीक है वाई को फर्दर प्रोसेस करो बिकॉज देर इज एन इंक्रीमेंटल और एडिशनल प्रॉफिट ऑफ रुपीज ठीक है वेर एज प्रोडक्ट एक्स निड नॉट बी फर्दर प्रोसेस्ड बिकॉज देर इज नो एडिशनल प्रॉफिट हमने भी यही बोला और इनका भी डिसीजन यही है ओके okay. अगर ये और वो सेम ही है जो मैंने सॉल्व किया है और ये सॉल्व किया है दोनों सेम ही है बट प्रेजेंटेशन वाइज यहाँ पर ऐसा कुछ लिख कर नहीं दिया कि ठीक है ये सिक्सटी सिक्स पॉइंट टू थर्ड परसेंट है है ना और ये बैलेंसिंग फिगर से आया ये पूरा टोटल ये दोनों गिवन था ये सब गिवन था और इसमें ये गिवन था ठीक है फिर क्वेश्चन में ये दे दिया था सिक्सटी सिक्स टू थर्ड परसेंट तो फिर इतना बुक में कहीं दिया नहीं है तो दिमाग लगाना पड़ेगा फिर तो दिमाग मत लगाओ जो मैंने किया है उसी को आप कर सकते हो ठीक है डू दिस आई जूम द स्क्रीन ठीक है कॉपीड आई होप दैट इज क्लियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ए वेजिटेबल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ऑप्टेन्स फोर प्रोडक्ट्स ठीक है चार प्रोडक्ट है जॉइंट कॉस्ट ऑफ फोर प्रोडक्ट्स एट लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ज्वाइंट सबका मिला के जो जॉइंट कॉस्ट लग रहा है वो इतना लग रहा है एट ट्वेंटी नाइन सिक्स हंड्रेड आउटपुट देखो क्या क्या है ए बी सी डी ए बी एंड सी लिटर्स में आ रहा है और डी किलोज में आ रहा है ठीक है लिटर्स 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 ऑयल है ना क्योंकि है, देखो ऑयल है उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी दी हुई है ए बी सी को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे है डी को कर रहे प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड एज इंटरमीडियरीज ठीक है प्रोडक्ट को बिना फर्दर प्रोसेस किए भी बेच सकते हैं फर्दर प्रोसेस करेंगे तो ज्यादा में बिकेगा ठीक है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग द सेल प्राइजेस आर देखो एज फिनिश प्रोडक्ट मतलब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और ये है एज इंटरमीडिएट मतलब बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग तो यहां पर देखो ये जो सेल प्राइस है पर लीटर कितना है वन पॉइंट टू जीरो और यहां पर कितना है वन पॉइंट एट फोर फिर यहां पर है चार यहां पर है आठ ज्यादा में बिक रहा है यहाँ पर दोनों सेम हैं क्योंकि सी को क्या बोला है ये फर्दर प्रोसेस नहीं होने वाला तो फर्दर प्रोसेस बिना हुए भी ये 6.4 फर्दर प्रोसेस हो नहीं रहा है तो बाद में भी 6.4 नो चेंज ये देखो यहाँ पर बिक रहा है कितने में 24 में और यहाँ पर बिक रहा है 26.64 में जब हमको पता है कि यार प्रोडक्ट महंगे में बिक सकता है तो हम एक बार तो ट्राई करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटेंट साहब इधर आओ एक बार देखो कि इंटरमीडिएट सेल करना बेटर है या इसको थोड़ा सा प्रोसेस करके बेचे तो ज्यादा बेटर है तो बोलेंगे सर फर्दर प्रोसेस करके बेचो ना देखो पर यूनिट तो एकदम प्रॉफिट दिख रहा है पर हमको पर यूनिट से कुछ नहीं लेना देना है हमको तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट से लेना देना है जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया ना इंक्रीमेंटल प्रॉफिट देखो वहां पर हम दोनों ही प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं इंक्रीमेंटल है ना प्रॉफिट भी आ रहा है वहां पर इंक्रीमेंटल जो सेल्स है वो तो पॉजिटिव में फिगर आ रही है पर जो कॉस्ट भी तो लग रहा है उसके लिए तो ए ए का क्या आया कि मत करो और बी का क्या आया कि उसको फर्दर प्रोसेस करो इट इज नॉट ए बी आई गेस इट इज एक्स वाई हाँ ठीक है एक्स वाई ए बी नहीं एक्स वाई ठीक है तो एक्स का आया फर्दर प्रोसेस मत करो इंक्रीमेंटल सेल्स तो देखो पॉजिटिव में आया ना ऐसा थोड़ी है कि हाँ मुझे सेल्स ज्यादा करना है तो मैं कुछ भी कर लूँ नहीं मुझे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट चाहिए आई एम वरिड अबाउट प्रॉफिट नॉट सेल्स सेल्स ज्यादा तो कॉस्ट भी तो ज्यादा लग रहा है फिर मुझे प्रॉफिट से लेना देना है मुझे सेल्स से लेना देना नहीं है अगर सेल्स पर कोई बोलेगा अरे इंक्रीमेंटल सेल्स है वाह वाह दोनों भी कर दो बट अरे इसमें मेहनत करके फायदा नहीं है ना कुछ प्रॉफिट हो नहीं रहा है ठीक है तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ऐसा और क्वालिटी अच्छी है इसकी तो इसको आप अभी स्टार मार्क कर दो कि जब भी प्रैक्टिस करना है तो 40 को छोड़ देना अभी सॉल्व कर लिया ना बस 40 इज डन फोर्टी वन जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करो होमवर्क करो एग्जाम के पहले तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको एक बार देखना है ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैलक्यूलेट द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट ए बी सी डी एलोकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट ऑन एन आर वी नेट रियलाइजेबल वैल्यू सॉल्व करते करते पता चलेगा एनआरवी किसको बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स विथ एंड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो कितना प्रॉफिट बिना फर्दर प्रोसेसिंग सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट ठीक है अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करके मैं छोड़ रही हूँ आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को एक बार देखना है बस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन uh, को भी देखना है प्लस इसका जो सोल्यूशन बुक में दिया हुआ है आपको एक बार देखना है कि इस सोल्यूशन को आप समझ पाते हो क्या ठीक है ये जो यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ पे देखो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग और यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल दैट इज एडिशनल प्रॉफिट बाय फर्दर प्रोसेस आपको एक बार ये तीनों भी जो टेबल्स है और ये जो भी सेंटेंस दिया हुआ है ये पढ़ के आपको एक बार समझना है आपको कुछ समझ में आता है क्या इसमें कल मैं आंसर सॉल्व करूंगी इसका मैं क्यों ऐसे क्वेश्चन पढ़ के समझा कर छोड़ रही हूं इसको? कि आप इसको एक बार समझने की कोशिश करो जितने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं उसके बेसिस पर अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ तो इट इज वेरी गुड है ना नथिंग लाइक इट तो आपको एक बार ट्राई करना है आई होप सारे जो अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आए हैं नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिख कर बताना है मैम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और ये पर्टिकुलर जो चीज आपने की है ये समझ में नहीं आई है तो उसको हम एक बार वापस डिस्कस करेंगे ओके okay. तो आज का डिस्कशन हमने क्या क्या किया क्वेश्चन आंसर्स किए है ना बाय प्रोडक्ट ज्वाइंट प्रोडक्ट के क्वेश्चन आंसर्स को किया uh, कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुए थे कहाँ पर खत्म हुए इस 41 क्वेश्चन पर हम लोग खत्म अभी मतलब 41 क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है स्टार मार्क पहले ही कर दो इसको ओके okay. ठीक है दिस इज इट अगर आपको कुछ मार्किंग करनी है यहाँ पर तो कर लो एक बार ठीक है ये ये अगर आपको कुछ देखना है तो आई जूम द स्क्रीन वंस एक बार बस देखो आंसर को ऐसा नहीं है कि मैम हमको नहीं पता एन आर वी क्या होता है अरे पता नहीं है मुझे पता है वो चीज़ बट एक बार बस आंसर को देखना है ठीक है ये जो भी फिगर्स है नंबर्स है इनको आप देखकर कर ये आंसर में देखकर इतना तो पता कर ही सकते हो ना समझ में आ रहा है कि नहीं ओके कल इसको हम लोग वापस सॉल्व करने वाले ओके आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और सॉल्व करूंगी तो बोलेंगे मैम अब नहीं जम रहा है कुछ ठीक है ठीक है तो अब जो है हम लोग कल सॉल्व करेंगे इसको टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय गाइज